धरना प्रदर्शन करेंगे, नाराजगी जताएंगे और अब तक करीब 3,475 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। प्रदेश में करीब 3,475 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। कल डिप्टी सीएम पीएस सिंहदेव से मुलाकात कर सामूहिक ज्ञापन सौंपा था और फिलहाल हड़ताल जारी है स्वास्थ्य कर्मचारियों की और उसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। पिछले 16 दिन से हड़ताल पर हैं संविदा ये स्वास्थ्य कर्मचारी और बता दें आपको आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, आज 16वां दिन है और सहयोगी नेहा केशव में लगातार बनी हुई। नेहा, चूंकि आज भी हड़ताल जारी रहेगी, मरीजों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्या कोई बात, मुलाकात, कोई आश्वासन? बिल्कुल, देखिए मरीजों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में जो है स्वास्थ्य कर्मचारी ही नहीं है, तो ऐसे में मरीज जो है वो दर दर भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से यदि हम बात करते हैं तो तकरीबन 45,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के जो है वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इनकी मांग है वेतन विसंगति दूर करना और ग्रेड पे जो 2200 है उसको बढ़ाकर 2800 करना और कोरोना भत्ता। ऐसे ही तमाम 5 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल जारी है और इन पूरे स्वास्थ्य कर्मचारियों का 14 अलग अलग संगठन बना हुआ है। किसी भी संगठन में जो है वो लगातार नाराजगी देखी जा रही है और इसी पर जो है किसी ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया और सरकार की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने एस्मा लगा करके जो है इन प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया था, बावजूद इसके लगातार प्रदर्शन जारी है, इसलिए सरकार ने भी कार्रवाई की है और कई स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं एक जो संगठन है वो खुद अपने से ही आगे आकर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर त्याग पत्र सौंप दिया है। तो इसी तरीके से ये जो दौर है लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कोई भी हल जो है वो नहीं निकल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी जो मांग है वो अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और डटे रहेंगे। इस तरीके से जो वो स्वास्थ्य कर्मचारी भी एक्शन लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी फिलहाल उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें उनके प्रदर्शन को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पूरी तरह से देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य कर्मचारी क्या करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है और अस्पतालों में मरीज अलग परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी जो है वो अपने क्योंकि बीते दिनों सरकार का बहुत कड़ा एक्शन देखने को मिला था तो वहां से प्रदर्शन स्थल से उन्हें हटाया गया था, तो भी जो है स्वास्थ्य कर्मी अभी भी अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। यानी कि मांग को लेकर लगातार बनी हुई और ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर मरीजों पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नेहा खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं गरियाबंद की। 48 स्वास्थ्य कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गरियाबंद के 94 स्वास्थ्य कर्मियों को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर 21 अगस्त से वे हड़ताल पर थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच चुका है और ऐसे में करीब 94 स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपनी मांग को लेकर 21 अगस्त से ये कर्मचारी हड़ताल पर थे।